एसएसपी मेरठ मेरी असहनीय पीड़ा को महसूस करें। मोदी जी मुझे न्याय दिलाओ, अपराधियों को फांसी दो, मैं भी देश की बेटी हूं, मुझे भी निर्भया की तरह इंसाफ दिलाओ। अस्पताल के बेड पर गंभीर रूप से झुलसी एक बेटी इंसाफ मांग रही है। वो इंसाफ मांग रही है प्रधानमंत्री से। ये बेटी उस तंत्र, उस समाज से इंसाफ मांग रही है जिस समाज में वो पली बढ़ी, और उसी समाज से निकले कुछ दरिंदों ने उसे बेइज्जत कर तड़पने को मजबूर कर दिया। मेरठ की इस बेटी की हालत अब ऐसी है कि दवाइयों और दुआओं ने इसे जिंदा रखा है, लेकिन वो घुट घुट कर जी रही है। मंचलों से तंग हो चुकी थी ये 10वीं की छात्रा। जब भी ट्यूशन जाते, कुछ लड़के इसका पीछा करते, इसे बेइंतहा तंग करते। इतना ही नहीं, आरोपियों ने लड़की को जबरन फोन थमा दिया, लेकिन जब इसने कॉल रिसीव नहीं की तो उन्होंने इसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली। अस्पताल में जिंदगी मौत की जंग लड़ रही इस बेटी के घर वालों ने आरोपियों के परिजनों से भी शिकायत की, लेकिन सब बेअसर रहा। इन सब के बीच 16 अगस्त को लड़की जली हुई हालत में मिली। पहले घर वालों ने आरोप लगाया कि उसने छेड़खानी से तंग आकर खुद को आग लगा ली, लेकिन FIR दर्ज कराते वक्त घर वालों ने बताया कि आरोपियों ने ही घर में घुसकर लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश की। जो FIR आई है हम उसकी विवेचना कर रहे हैं। जो सुनी सुनाई बात थी या बताई गई बात थी, हम उसमें विवेचना कर रहे हैं और गंभीरता से विवेचना कर रहे हैं। दो लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी के अरेस्ट का हम प्रयास कर रहे हैं। घर वालों की मांग है कि बाकी आरोपियों को भी पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। फिलहाल लड़की की गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इसे भेज दिया गया है।